दी हुई है, जिसके पास हार्ड कॉपी है हार्ड कॉपी में उसको ओपन करेगा, और जिसके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी में इस बुक को ओपन करेगा। ठीक है, कल से इंशाल्लाह मैं इसका पेज जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज सर उसमें थोड़ा बिजी है, कल इंशाल्लाह मैं इसका पेज यहाँ पे साथ ही हम पेज भी स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं पिक सेंड, अगर कोई एक स्टूडेंट इसकी पिक सेंड कर सकते हैं अभी यहाँ पे स्क्रीन में, तो वो सेंड कर दे अगर किसी को इसका कोई तरीका अगर पता है तो। ठीक है, कौन ज्वाइन कर रहा है? गुड स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने, हमने आज बेसिकली मैंने आपको प्रोनाउन भी पढ़ा दिया था, एडजेक्टिव स्टार्ट करवाना था, लेकिन हमने प्रोनाउन की कितनी काइंड है वो हमने डिस्कस नहीं किए हैं। तो आप लोगों को किसी भी पर्सपेक्टिव से वो प्रोनाउन मीन्स, आप लोगों को उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक डिटेल टॉपिक है, हमने आज प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आप उस बुक का, ग्रामर की बुक का पेज नंबर 13 जो है वो ओपन कर लें। तो है प्रोनाउन, फर्स्ट थिंग इज अ केस ऑफ प्रोनाउन, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अटेंडेंस नहीं हुई है, अटेंडेंस आपकी लास्ट में जितने पार्टिसिपेंट होंगे इंशाल्लाह उनकी मैं अटेंडेंस लूंगी। ये नहीं है कि आप लोगों ने ऐड किया है तो अब आप जब मर्जी इसमें जो है वो लीव क्विट कर जाओ और मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी, ऐसे अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। वेल स्टूडेंट, ये पेज नंबर 13 है, उस पे है प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, दीज आर द प्रोनाउन। अब इन प्रोनाउन, हम उसके पहले केस ऑफ प्रोनाउन, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं केस ऑफ प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो जस्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन होता है एक सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्लेस पे आते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। और जो पोजेसिव मीन्स, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब किसी एक पर्सन की मलकियत शो कर रहे होते हैं, उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, लेकिन इसी के साथ सेकेंड काइंड है पोजेसिव प्रोनाउन की, माइन, माई का माइन, मीन्स आई का पोजेसिव प्रोनाउन होगा माई और माइन। माई और माइन में डिफरेंस ये है कि माई के बाद हमेशा हम नाउन यूज कर सकते हैं, कोई भी नाम आ सकता है, जैसे दिस इज माई कंप्यूटर, तो माई के बाद नाउन आ सकते हैं, माइन के बाद कभी भी कंप्यूटर नाउन नहीं आ सकता। जैसे दिस इज माइन कंप्यूटर नहीं होगा, जहाँ पे भी माइन कंप्यूटर होगा, माइन कंप्यूटर वो सेंटेंस रॉन्ग होगा, हम वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की जगह माई यूज करेंगे। दिस कंप्यूटर इज माइन, तो वहाँ पे हम माइन यूज कर सकते हैं। इसी तरह आवर, आवर्स, योर, योर्स, आवर, आवर के बाद वी का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो आवर है, आवर के बाद हम हमेशा नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन आवर्स के बाद नहीं। इसी तरह योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे केस ऑफ प्रोनाउन। आज हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन इज अ पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन, ऐसे पर्सन के मुतालिक हमें बताए जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, जिस जो बात कर, फॉर इंस्टेंस अ पर्सन हु इज टॉकिंग, ठीक है, एक पर्सन जो बात कर रहा है उसका उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको भी हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। एक पर्सन के मुतल्लिक बात की जा रही है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा उसको भी हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, और एक पर्सन जिसके मुतल्लिक बात की जा रही है, फॉर इसकी डेफिनेशन देखें, प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सन के लिए जो यूज किए जाते हैं, जैसे ही, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है।
These person are either the speaker, ये person, अब किसी भी person के लिए जो pronoun use किए जाते हैं उनको personal pronoun कहते हैं. वो person जो है जिसके मतलब जो जिसके लिए हम ये pronoun use करते हैं वो pronoun person कोई speaker हो सकता है जो बात करने वाला है, और the addresser या फिर ऐसा जिससे बात की जाए, बात करने वाला खुद भी हो सकता है या वो पर्सन भी हो सकता है जिससे बात की जाए या जिसके मुतल्लिक बात की जाए. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में अगेन पढ़ रही हूँ. प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्संस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. दीज पर्सन आर ईदर द स्पीकर, वो स्पीकर भी हो सकता है, और द एड्रेसेस, एड्रेसी ऐसा पर्सन जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, और द पर्सन स्पोकन अबाउट ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं. मीन्स स्पीकर भी हो सकता है, ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे बात की जा रही हो, और ऐसा पर्सन भी हो रहा हो सकता है जिसके मुतालिक बात की जाए. इन सब के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. अब इसमें ना इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ, देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. इसमें उन्होंने आई और वी, हमेशा आई और वी प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जिनको हम कहते हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. इनके लिए नाम यूज होता है, इनको कहते हैं आई वी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है. इसी तरह यू ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, और ही शी इट और दे, ये ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है. बेसिकली हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसका यूज हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. बस आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन से पर्सन प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन है, कौन से प्रोनाउन सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं, और कौन से प्रोनाउन थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं. अब फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो आई और वी हैं. आई वी के जितने भी प्रोनाउन, फॉर इंस्टेंस आई के लिए मी का यूज होता है, माइन का यूज होता है, माई का यूज होता है, वी के लिए आवर का यूज होता है, आवर्स आवर, ठीक है, अस, ये जितने भी आई और वी के प्रोनाउन होंगे वो फर्स्ट पर्सन में आएंगे. आई भी फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है. आई के जितने प्रोनाउन, जैसे हमने आई के प्रोनाउन पढ़े हैं ना, आई के लिए नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होगा, मी, और इसका माइन भी होगा. इसी तरह वी के लिए आवर, अस और आवर्स. ये आई वी के जितने भी टोटल प्रोनाउन है ये सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं. इसी तरह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के लिए बेसिकली यू ही यूज होता है, तो यू सेकंड पर्सन है और इसके यू का प्रोनाउन हम सेकंड पर्सन के लिए यूज करेंगे. इसी तरह थर्ड पर्सन के लिए आई, सॉरी, ही शी इट और दे, ये जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन के हैं. मतलब शी के लिए अगर हम हर और हर्स का प्रोनाउन यूज करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाएगा. इसी तरह ही के लिए हीज हिम का प्रोनाउन है, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. मीन्स he, she, it और they के जितने भी प्रोनाउन हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे. I, we जो है वो फर्स्ट पर्सन और you सेकंड पर्सन. ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं जो किसी भी पर्सन के लिए यूज होते हैं, वो पर्सन स्पीकर हो, वो एड्रेसी हो, या ऐसा पर्सन जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं वो हो. दोबारा अगेन फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन ये डिस्कस कर देती हूँ. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन को कहते हैं, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो. अब वो पर्सन स्पीकर हो, वो पर्सन ऐसा हो जिसके मुतालिक हम एड्रेस कर रहे हैं, या ऐसा पर्सन जिससे हम एड्रेस, मतलब पर्सन बात करने वाला हो जिससे बात की जा रही हो, या ऐसा पर्सन जिसके मुतालिक बात कर रहे हो, वो सारे प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे. इनमें आई वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, और यू के लिए सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे के लिए यूज होता है. अब आप पेज नंबर 14 पे आए, इसमें हम देखेंगे एक सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब ये पेज बुक का पेज नंबर 14 है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, पहला प्रोनाउन की काइंड हमने पढ़ी पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है, और आपको पता होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, और थर्ड पर्सन कौन सा है. अब सेकेंड काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसमें भी हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम. जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का. तो जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो,
और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर जब हम कोई प्रोनाउन यूज करें वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस ऐसा पर्सन जो शो करे कि हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ही है, मतलब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। तो उनके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट शो करने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड होगा ये प्रोनाउन होगा और ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे आप देखें इसकी डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। मींस एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों सेम एक ही पर्सन के मुतालिक बात हो रही हो, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो, तो उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करें और वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस असलम वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। हम ये देखें इस सेंटेंस में असलम इज अ सब्जेक्ट, वाज टॉकिंग वाज हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग इज अ वर्ब, टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट, हिमसेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो असलम यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट। हाँ अगर हम इस सब सेंटेंस का की मीनिंग देखें तो ये पूरा सेंटेंस मतलब है असलम अपने आप से बातें कर रहा है, मीन्स असलम ही ऑब्जेक्ट है। असलम क्या कर रहा है, बातें किससे कर रहा है, अपने आप से। अब यहाँ पे हिमसेल्फ का जो प्रोनाउन है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ पर भी हिमसेल्फ आ जाए, ये आपको एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि हिमसेल्फ प्रोनाउन की कौन सी काइंड है, तो हिमसेल्फ पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे हमने फर्स्ट काइंड पढ़ी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू ये आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं हिमसेल्फ की। तो हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, कौन सी काइंड ऑफ प्रोनाउन है, हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ पे सब्जेक्ट अपने आप से ही बात कर, मीन सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो, जब हमने किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट शो करना हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखें टेबल में लिखे हुए कौन कौन से हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। अब इनकी इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। असलम वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, असलम अपने आप से बात कर रहा है, यहाँ पे हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। असलम इज अ नाउन, असलम इज अ सब्जेक्ट। अगर हम इसका इस सेंटेंस की वैल्यूएशन करें ना तो देखते हैं असलम, असलम क्या एक नाम है, ठीक है, और हिमसेल्फ इज अ प्रोनाउन जो कि नाम की जगह पे यूज हो रहा है। अब ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जख्मी किया, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, इसने अपने आप को आईने में देखा, शीशे में उसने अपने आप को देखा, आईने में देखा, तो यहाँ पे हरसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इरम ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक, इरम ने गलती के लिए अपने आप को इल्जाम दिया, अब यहाँ पे हरसेल्फ भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही रियून हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तबाह किया, ही इज अ प्रोनाउन, ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन, और यहाँ पे हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही सब्जेक्ट एंड हिमसेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हिमसेल्फ यहाँ ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है और हम देख रहे हैं कि हिमसेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो शो कर रहा है कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, तुमने अपने आप को बहुत ही नाकिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, एक्सप्रेस किया, जाहिर किया, यहाँ पे योर सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। They have landed themselves in difficulties. उन्होंने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। यहाँ पे themselves जो है वो इस sentence में जो है वो reflexive pronoun है। We sometimes deceive ourselves. हम sometimes बाज़ औक़ात हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। Ourselves यहाँ पे reflexive pronoun है। Students आप लोग पहले मुझे chat में बताएं कि ये जो हमने personal pronoun और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े हैं इनकी आपको समझ आई है।
All students are requested to share their views about personal pronoun and reflexive pronoun. आप लोग एंडी मुझे बताएं क्लियरली आपको पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की समझ आई है. चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे मैसेज करके. ये एक स्टूडेंट है असद बलोच. आपको बेटा समझ क्यों नहीं आई है आप बताएं कब आए हो आप क्लास में लेट. बेटा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते लेकिन आप चैट बॉक्स में फिलहाल मुझे बताएं फिर मैं आपको लास्ट में अनम्यूट करूंगी. चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ लें आपको किस बात की समझ नहीं आई है. हमने आज दो प्रोनाउन पढ़े हैं एक पर्सनल प्रोनाउन और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किसी भी पर्सन के लिए यूज हो सकते हैं. वो पर्सन स्पीकर भी हो सकता है ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे हम बात कर रहे हैं ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके मुतालिक बात की जा रही है. वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ही शी इट आई वी दे यू. ठीक है इसी तरह दूसरा पर्सनल है हमने पढ़ा है प्रोनाउन पढ़ा है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ऐसा प्रोनाउन जो शो करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट खुद है. अब एक सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस थ्री वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. तो जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो मतलब काम करने वाला ही ऐसा हो जिस पर काम हो रहा हो तो वो जो है वो उस पर्सन को उस पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. ठीक है जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है असलम वाज टॉकिंग टू हिम सेल्फ. यहाँ पे बेसिकली हिम सेल्फ एक प्रोनाउन है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. हिम सेल्फ शो कर रहा है कि असलम खुद से बातें कर रहा है. ठीक है अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली पीडीएम में हूँ मुल्तान. पीडीएम क्या है अब असद अली बलोच मैं पीडीएम में मुल्तान. तो मुल्तान में हो तो क्या ऑनलाइन नहीं हो समझ नहीं आ रही है. मुल्तान में बैठ के लो बेशक अमेरिका में बैठ के ले लो बेटा क्लास में आप क्लास में समझ आनी चाहिए आपको. हाँ जी पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन बेटा ऐसे प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी भी पर्सन के लिए यूज होते हैं. किसी भी पर्सन के लिए वो पर्सन बात करने वाला हो वो पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं या जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं किसी भी पर्सन के लिए ये प्रोनाउन यूज किए जा सकते हैं. आई वी दे यू ही शी इट ये पर्सनल प्रोनाउन है. अब अगर हम पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें ही के लिए हिमसेल्फ हरसेल्फ योरसेल्फ देमसेल्फ इनको हम कभी भी पर्सनल प्रोनाउन का नाम नहीं दे सकते. ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है. पर्सनल प्रोनाउन जो है वो ही शी इट आई वी दे यू ही है. इनके अलावा कोई भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं है. ठीक है प्रोनाउन बेसिकली कहते हैं किसको है? ऐसे वर्ड को जो नाम की जगह पे इस्तेमाल वर्ड यूज द प्लेस ऑफ नाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे जब हम कोई एक वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है. वो प्रोनाउन कौन से हैं ही शी इट आई वी दे यू. ठीक है इनमें जो हमारे पास पर्सनल फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि आई वी दे यू ही शी इट ये पर्सनल प्रोनाउन है. इसके अलावा हमने दूसरी काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ी वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस में ये शो करें कि जो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है. मीन जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वही ऑब्जेक्ट है मतलब काम करने वाला ही वो है जिस पर काम हो रहा है. सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो तो जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन लगाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था ना ही हर हिम योर्स ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो योर सेल्फ हिम सेल्फ देम सेल्फ देयर सेल्फ ठीक है इट सेल्फ ये जो प्रोनाउन है ये हमारे कौन से प्रोनाउन है ये
ऐसे प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं ऑब्जेक्ट के साथ माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, मीन्स ये कुछ प्रोनाउन है, उन्होंने बेसिकली ये आप पेज नंबर 14 पे एक पूरा टेबल दिया हुआ है। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो ये शो करते हैं सेंटेंस में कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। आगे उन्होंने इसकी एग्जाम्पल भी कोट की है, असलम वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, असलम अपने आप से बातें कर रहा है, आई हर्ड माई सेल्फ, शी सा हर सेल्फ इन द मिरर। तो ये देखें जो हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, एक सेंटेंस में ये वाले प्रोनाउन शो करते हैं कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स टाइम रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहा है, ठीक है, तो मुझे ये क्लास एंड करनी होगी, आज के लिए इतना ही इनफ है। बाकी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो मैं ये जो आप क्लास है इसको हमने रिकॉर्ड भी किया है, या आप अगेन क्लास ले सकते हैं। अब ये जो आप वेट कर रहे हैं आपको ऐड कर भी लें, आपकी अटेंडेंस ही मार्क होगी ज्यादा से ज्यादा। फ्रेंड आप लोगों ने इतनी लेट क्लास क्यों ली है अभी? अब मुझे ये मीटिंग एंड करनी होगी, और जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली वो इसको यूट्यूब पे जाके हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, यूट्यूब में जाके इस क्लास को ले सकते।